तो आज का जो हमारा क्लास है वो है आपको डिजिटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में टॉपिक है हाफ सबस्ट्रक्चर और फुल सबस्ट्रक्चर। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ लिया कॉम्बिनेशनल सर्किट में, एडर सर्किट क्या होता है, हाफ एडर, फुल एडर और एन बिट पैरेलल एडर। ठीक है, एन बिट पैरेलल एडर तक अपने अपन लोगों ने कर लिया। अब करेंगे हम लोग हाफ सबस्ट्रक्चर फुल सबस्ट्रक्चर। ठीक है, एन बिट पैरेलल सबस्ट्रक्चर तुम खुद से बना सकते हो, दिक्कत हो तो हमको बताना, नहीं तो अपने सिलेबस में तो पैरेलल एडर भी नहीं था। ठीक है, चलिए सिलेबस को आगे बढ़ाएं। देखे कहता है हाफ सबस्ट्रैक्टर क्या है अपना टॉपिक, हाफ सबस्ट्रैक्टर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट विच टू इनपुट एंड टू आउटपुट्स। इसमें क्या होता है, दो इनपुट होता है और दो आउटपुट होता है। हाफ सबस्ट्रैक्टर में क्या होते हैं, दो इनपुट और दो आउटपुट। ओके, सिंपल सी बात है। इसका इस्तेमाल जो होता है वो दो बिट को घटाने के लिए होता है, दो सिंगल बाइनरी बिट को। तो कहता है इट प्रोड्यूस द डिफरेंस बिटवीन टू बाइनरी बिट, दो बिट का डिफरेंस जो कि इसका रिजल्ट होता है एट द इनपुट, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस एंड आउटपुट दैट इज कॉल्ड बोरो, टू इंडिकेट इफ ए हैज बीन बोरोड इन द सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी, ए इज कॉल्ड मिन्यूएंड बिट एंड बी इज कॉल्ड सबस्ट्राहेंड बिट। बात समझ में आ गया? जब भी आप घटाइएगा दो बिट को तो क्या होगा, ए बी होगा। तो जब ए बी होगा तो दो बातें होती है, या तो ए बी से डायरेक्टली घट जाता है, या तो ए जो है किसी से बोरो बिट लेने बोरो लेने के बाद घटता है। तो हमें दो रिजल्ट मिलेगा ना, बोरो आया या नहीं आया। एडिशन में क्या होता था, कैरी आता था, सबस्ट्रक्शन में क्या होगा, बोरो होगा, पहचान लेना जिसको कहते हैं, तो रिजल्ट और बोरो। तो ये मेरा ट्रूथ टेबल है, अगर दो बिट का है तो 0001 1011, तो जीरो में से जीरो घटाओगे तो रिजल्ट जीरो, बोरो भी जीरो, जीरो में से वन घटाओगे नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, जीरो में से वन नहीं घट सकता है, तो आप बोरो लीजिएगा, किससे लीजिएगा उसको छोड़िए, लीजिएगा लीजिएगा तो बोरो हो गया वन, इसलिए बोरो में वन लिख दिया, और जब वन लीजिएगा तो ये हो जाएगा टू, टू में से वन घट गया तो वन बच गया। बात समझ गया, वन में से जीरो घटाओगे डायरेक्टली घट जाएगा, वन बचेगा, और क्या बोरो लिए नहीं लिए तो बोरो क्या हो गया, जीरो हो गया। फिर वन में से वन घटा दिए तो जीरो, बोरो की जरूरत पड़ी नहीं बटी। तो ये रहा मेरा सिचुएशन जो कि क्या है, हाफ सबस्ट्रक्चर का काम करता है, इसके पास दो इनपुट दो आउटपुट। तो बात आता है अब तुमको केमैप के जरिए इसका क्या फॉर्म करना पड़ेगा, ए माइनस बी जो है इसके लिए क्या हम सर्किट कैसे बनाए, हाउ टू क्रिएट इट्स सर्किट। तो सर्किट से पहले उसका क्या चाहिए, बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए ना, तो बुलियन एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर सबस्ट्रक्शन रिजल्ट ए माइनस बी कॉल्ड, इसको मान लो हम लेके चलते हैं कि आर है, ठीक है, यूजिंग केमैप। तो फंक्शन ए बी सिग्मा कहाँ पे आ रहा है, सिग्मा एम 1.2 पर, देखो 011 और 101, तो मतलब 2 पे आ रहा है ना, तो जो 2 पे आ रहा है तो अब हम लोग क्या बनाएंगे, केमैप बनाएंगे। तो केमैप बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, केमैप तो बनेगा मेरा जब भी तो पेंट में ही बनेगा, कितने वेरिएबल का बनेगा, ए बी है मतलब कितने वेरिएबल का बनेगा, ए बी है तो कितने वेरिएबल का बनेगा केमैप, ए बी है चार वेरिएबल का बनेगा के मैं, ये तो के मैं बन गया। अब इसका क्या करना है, अपन को इंडेक्सिंग करना है, इधर क्या भेजते हैं, एक वेरिएबल होम पेज भेज दिया इधर ए, और दूसरा वेरिएबल इधर भेजूंगा, इसका नाम ए इसका नाम बी। ठीक है, अब अगर इंडेक्सिंग की बात करोगे तो ये इंडेक्सिंग कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट इंडेक्सिंग करते हैं, ये जीरो है सॉफ्ट फॉर्म में बना रहे हैं, तो जीरो का क्या होगा ए बार। ठीक है, उसी तरह से इसका क्या होगा ए क्यू क्यू वन। ठीक है, इसका करोगे तो क्या होगा बी बार क्योंकि जीरो आएगा। और इसका क्योंकि वन आएगा। ओके, अब कहा है कहां कहां पर, इसका सेल नंबर अगर बोलोगे तो ये कितना है, इसका सेल नंबर कितना आ रहा है, जीरो। क्यों आ रहा है बात तुम लोग जानते हो, वन
इसका कितना होगा सेल नंबर 2 और इसका सेल नंबर कितना होगा 3। ओके, कहाँ 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 है डालने के लिए, आपको कहाँ कहाँ डालने कहा है, 1 और 2 पर 1, तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। कितने ग्रुप बनेंगे, हाउ मेनी ग्रुप्स, कितने ग्रुप बनेंगे, एक ग्रुप ये, ठीक है, और एक ग्रुप, कितना ग्रुप बन गया, 2 ग्रुप। जब 2 ग्रुप बन गया तो पहले एक्सप्रेशन जब फॉर्म करेंगे हम लोग, मिनिमाइज एक्सप्रेशन, तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन जब बन के मैं निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, मिनिमाइज एक्सप्रेशन मेरा क्या निकल के आ रहा है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन मेरा निकल के आ रहा है इस केस में, इस केस में मेरा मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है, ओहो देखो सीधे उल्टा कर दिए, तो कहते हैं इधर b भेज दिए हैं, इधर a भेज दिए हैं, पूरा का पूरा उलट पुलट कर दिए, इससे कॉमन क्या आ रहा है, ए बार बी, तो अपन लोग अब यहाँ क्या लिख लेंगे, ए बार बी, तो ए बार और बी, ठीक है, एक एक ग्रुप का काम खत्म, तो प्लस दूसरे ग्रुप में क्या आ रहा है, ए बी बार, ओके, तो ये हो गया तुम्हारा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था डायगोनल रिलेशनशिप बन रहा है, इसलिए आप लोग इसको इजीली लिख सकते हो, ए एक्सोरेड विथ बी, ए एक्सोरेड विथ, ए एक्सोरेड विथ, ए एक्सोरेड विथ, और कैसे सिंबल लिखाता है, ए एक्सोरेड विथ बी, सॉरी इसको हम लोग को कैसे लिखना है, ए एक्सोरेड विथ बी, ए एक्सोरेड विथ बी, तो ये हमने निकाल लिया, किसके लिए निकाल लिया भैया, ये हमने निकाल लिया फॉर आर, एक्सप्रेशन किसके लिए निकाले हैं, आर के लिए, किसके लिए निकाले हैं, आर के लिए निकाले, आर के लिए निकाल लिए एक्सप्रेशन, अब किसके लिए निकालेंगे, देखो पहले तो इसको थोड़ा क्रॉप करने दो, तो हमको ये हो गया मेरा एक्सप्रेशन फॉर, फंक्शन निकाले और फंक्शन से हम लोग एक्सप्रेशन निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे, बोरो बिट के लिए, तो बोरो में देखो क्या है कहानी, बोरो कहां पर है, बोरो का जो फंक्शन आ रहा है, तो मतलब इसको यहां से कॉपी पेस्ट करो, बोरो कहां पर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 पर, तो बोरो बिट का जो कहानी है उसका कहानी क्या है, बोरो बिट का, बोरो बिट का कहानी जो है क्या कहता है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर सब्सट्रैक्शन बोरो बिट रिजल्ट, कॉल
bit upward. तो इसके फंक्शन बन के क्या आ रहे हैं, इसके जो फंक्शन बन के आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पर आ रहा है, वन पर आ रहा है। तो जब वन पर आ रहा है तो इस बार जो इसका के मैप हम लोग बनाएंगे तो के मैप कैसे बनेगा, के मैप बनाएंगे ना इसका, क्या बनाएंगे, के मैप बनाएंगे इसका। बनाइए के मैप, कहानी तो वही है, कहानी वही रहने दो, लेकिन कहता है सिर्फ और सिर्फ वन पर है ना इस बार, तो जब सिर्फ और सिर्फ वन पर है तो इसको मिटाओ, यही ग्रुप ना बनेगा सिर्फ और सिर्फ वन पर। तो मतलब कहने का क्या है, सिर्फ और सिर्फ वन पर है, तो जब इसको बनाने जाओगे तो क्या होगा बोरो के लिए, बोरो जो है अपना, बोरो का जो फंक्शन एक्सप्रेशन बन के आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए बार बी हो गया, ये हो गया आपको मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर बोरो। जब ये कर लिए हम लोग, जब हम लोग क्या कर लिए, बोरो बिट भी निकाल लिए, क्या निकाल लिए, बोरो बिट भी निकाल लिए। अब जब बोरो बिट निकाल लिए तब अब क्या कर देना है, हमको डायग्राम बना देना है इसका। मेरे इनपुट दो हैं ए बी, तो मेरे इनपुट हो गए दो ए और बी, ठीक है, और आउटपुट क्या है भैया, पहला जो है एक वो क्या है, ए एक्सोरेट विथ बी है, ए प्लस बी नहीं है, ए एक्सोरेट विथ बी है, रिमेंबर इट, ये XORed with B है, ये XOR है, समझ गए, देख लीजिए इसका यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सप्रेशन मैंने अभी निकाला है, ये XORed with B, जब ये A XORed with B है तो इसका जो रिजल्ट बन के आएगा A XORed with B से बन के आएगा, तो जब XORed से बनाना है तो मेरे को खुद से बनाना ही होगा इसको भी, चलिए बनाते हैं। पहला जो मेरा इनपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, एक्सोर आ रहा है, तो जब एक्सोर हमको बनाना है तो जस्ट ट्राई कहीं एक्सोर बन जाए, एक्सोर बनाना है और बनाना है, चांस नहीं है इसमें एक सौर के सेप का वर्ड में ही बनाते हैं, रुको सही होगा, इंसर्ट 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 से एक सौर चाहिए ना, बनेगा यहाँ पे आपका दो इनपुट रहा ए और बी, ये रहा मेरा XOR गेट, ठीक है, और ये रहा मेरा AND गेट। तो देखिए पहला जो डिफरेंस हमारा आया था वो A XORed with B आया था, तो XOR गेट लगा दिए,
तो ए बी जो निकल के आएगा ए एक्सोरेड विथ बी से आ जाएगा। अब बोरो बिट के लिए जो दूसरा आउटपुट था वो क्या था, ए बार बी, तो ए बार बी मतलब ए का कम्प्लीमेंट, तो ए को मैंने जो यहाँ लाया तो उसको क्या लगा दिया, एक नॉट गेट लगा दिया कम्प्लीट, तो ए बार मिल गया मेरे को और बी को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। तो ये जब फाइनली आप बना दीजिएगा तो ये हो गया क्या, लॉजिक डायग्राम, ये क्या हो गया लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम और हाफ सब्सट्रैक्टर, हाफ सब्सट्रैक्टर, सब्सट्रैक्टर। ये हो गया लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ सब्सट्रैक्टर। ओके, ये देखिए पूरा का पूरा कहानी आपको समझ में आ गया, इसका आप क्या कर लीजिएगा। अब एक होता है लॉजिक डायग्राम बोलो और सर्किट डायग्राम बोलो, बोथ आर सेम, सॉरी सर्किट डायग्राम नहीं है ये, लॉजिक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम अलग होता है। तो ये हो गया तुम्हारा लॉजिक डायग्राम। एक और डायग्राम होता है जिसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक डायग्राम, कौन सा डायग्राम कहते हैं, ब्लॉक डायग्राम। देखो इस पेज भरने के लिए कॉन्सेप्ट, वैसे भी गलत नहीं है। ब्लॉक डायग्राम सिंपली इनपुट आउटपुट बताता है, तुम्हारा तीन तरह का टारगेट डायग्राम होता है, एक होता है ब्लॉक डायग्राम, एक होता है तुम्हारा ये लॉजिक डायग्राम जिसमें कि आप इंटरनली दिखाते हैं कि उसमें कौन सा लॉजिक गेट और कैसे कैसे कनेक्शन किया हुआ है, एक होता है सर्किट डायग्राम, वो एक्चुअली सर्किट कैसे बनता है उसके लिए होता है। तो सर्किट डायग्राम बनाने का जरूरत बीसीए एमसीए के बच्चे को अक्सर होता नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे को पढ़ाना पड़ता है वो चीज। और ब्लॉक डायग्राम बड़ा सिंपल सा चीज होता है भाई, इसका ये पूरा सेक्शन हटा दो, बस ये इनपुट आउटपुट छोड़ दो, ये जो है देखो अभी हम तुमको दिखाते हैं, इसका लॉजिक डायग्राम क्या होता है। लॉजिक डायग्राम बड़ा सिंपल सा चीज है, इसका इनपुट और आउटपुट छोड़ दीजिए, बाकी हर चीज हटा दीजिए, समझ गए। ये जो है ना इसका जो पूरा सेक्शन देख रहे हो, ये पूरा सेक्शन है ना, इस पूरे सेक्शन को बैक कर दो, इसका बस छोड़ देना है तुमको क्या, इनपुट लाइन और आउटपुट लाइन, बाकी सब का सब जो है उसको बैक कर दो। ऐसे क्यों कर रहे हो, एक सिंपल सा काम दिया वो भी नहीं हुआ इससे। इंटरनली हमको लॉजिक लॉजिक नहीं दिखाना रहता है, बस इसमें लिख देना रहता है, इसमें आओ लिख दो, क्या लिख दो, बी एल ओ सी के ब्लॉक डी आई ए जी आर ए एम डी आई ए जी आर ए एम डायग्राम ऑफ एच एल एफ हाफ सब्ट्रैक्टर, हो गया यही हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम, समझे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ सब्सट्रक्चर आप इसको लिख दीजिए और इसका काम फिनिश हो गया।
क्या हुआ यार, कहाँ भेज दिया? ब्लॉक डायग्राम, रिसीव योर ब्लॉक डायग्राम, कहाँ फिनिश, बस इतना सा। तो नोट्स खुद से बना लीजिएगा। हाफ सबस्ट्रक्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर, उसके बाद बचता है फुल सबस्ट्रक्टर। तो फुल सबस्ट्रक्टर की मैं डिफिनेशन आपको लिख देता हूँ, नोट्स आप खुद से बना लीजिएगा। करना क्या है, जो हाफ सबस्ट्रक्टर सॉरी हाफ फुल एडर में किए थे वही हाफ सबस्ट्रक्टर में करेंगे। हाफ सबस्ट्रक्टर में क्या करना है आपको, जो सिंपल सा टेक्निक है हाफ सबस्ट्रक्टर का, वो नोट्स आप खुद से बना लीजिएगा हाफ सबस्ट्रक्टर का। मैं आपको डेस्कटॉप हाफ सबस्ट्रक्टर नहीं तो ये बहुत टाइम ले लेता है। हाफ सबस्ट्रक्टर ये हो गया आपका हाफ सबस्ट्रक्टर, उसके बाद है आपका फुल सबस्ट्रक्टर। तो फुल सबस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे मैंने देखा था कि कैरी को नहीं वो जोड़ता था, कैरी के बारे में नहीं सोचता था जोड़ते समय में हाफ हेडर, उसी तरह से सबस्ट्रक्टर में भी यही बात है कि सबस्ट्रक्ट जब करोगे दो बीट, तो फिर नेक्स्ट में तो आपको देखना पड़ेगा ना कि बोरो आया था या बोरो नहीं आया था, बात समझ गए। तो तीन इनपुट होना चाहिए सब्सट्रैक्शन के लिए भी मेरे पास। तो कहता है द डिसएडवांटेज ऑफ हाफ सब्सट्रैक्शन, द डिसएडवांटेज ऑफ हाफ सब्सट्रैक्शन हाफ सब्सट्रैक्टर इज ओवरकम बाय फुल सब्सट्रैक्टर। तो हाफ सब्सट्रैक्टर का जो डिसएडवांटेज था वो डिसएडवांटेज क्या था पहले वो समझ लेना, कि डिसएडवांटेज था कि इट इज नॉट थिंकिंग अबाउट द बोरो बिट इन सब्सट्रैक्शन। हाँ बोलो बोलोगे, नहीं फ्लिपकार्ट से मंगवाना पे उतने में बेवकूफी है उसको, उसको दुकान जिस दुकान से लाया है वो दुकान जाके ले आना, उतने में देगा। दस दिन बाद ही खुलेगा, आईटी स्पेशलिस्ट हम है कि तुम हो, आईटी स्पेशलिस्ट हम है कि तुम हो, चलो रखो क्लास ले रहे। अब तो कहता क्या है, the disadvantage of half substructor is overcome by full substructor. The full substructor is a combinational circuit with three input and two output. बात समझ गए, कहता क्या है, consider a full substructor circuit with three input x y z with two output d and b where x is manioid and y is substituent. ठीक है, substituent and z is and that contain borrow produced by the previous stage and output D contain result of subtraction and D contain borrow result। बात समझ गए, तो जब result आ गया तो इतने मेरे पास input है, मेरा input क्या है x y z है, दो output निकल रहा है, एक निकल रहा है D और दूसरा निकल रहा है B। बात समझ गए, अब कहता क्या है कि D और B सबसे पहला तो हम लोग को क्या निकालना है भैया, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, सबसे पहले अपन लोग को निकालना क्या है, सबसे पहले तो अपन लोग को 000 से ट्रूथ टेबल बनाना है, एक्स वाई जेड है मतलब तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड का, 000001 01 00113 होगा, इसलिए ये ध्यान रखना 011 है ये, 100 101 110 और 111 मतलब हो गया एक से जीरो से लेकर सेवन तक। अब कहता है कि इसको देखो घटाना है ना, तो घटाओ तीन बिट को घटाना है, इसको इससे घटाओ इसको इससे घटाओ, तो जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, बात समझ गया, तो बोरो भी जीरो, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से वन गया घटेगा नहीं, तो बोरो लिए तो बोरो बिट वन, टू आ गया तो टू में से वन घटा दिया तो वन, फिर जीरो में से वन घटाओगे तो नहीं घटेगा, तो बोरो लोगे तो बोरो लोगे तो ये टू हो जाएगा, टू में से वन गया तो टू में से वन गया तो वन और वन में से वन गया तो जीरो, तो बोरो यहां भी हम लिख दिए। उसका कहता है जीरो में से वन को आपको डिवाइड सब्सट्रैक्ट करना है, हो ही नहीं सकता है सब्सट्रैक्ट हो, तो आप क्या लीजिएगा बोरो लीजिएगा तो टू हो जाएगा, तो टू में से वन घटाइएगा तो कितना बचेगा वन बचेगा, वन में से वन घटाइएगा तो जीरो बचेगा, तो फाइनल रिजल्ट कितना जीरो, फिर वन में से जीरो घटाइए
वन में से जीरो घटाइएगा तो वन, वन में से जीरो घटाइएगा तो वन, रिजल्ट हो गया वन और शेष बच गया जीरो, बोरो हो गया जीरो। वन में से जीरो घटाइएगा वन, वन में से वन घटा दीजिएगा जीरो, बोरो की कोई जरूरत नहीं है इसलिए जीरो। वन में से वन घटा दीजिएगा जीरो और जीरो में से जीरो घटाइएगा जीरो, बोरो की कोई जरूरत नहीं है रिजल्ट हो गया जीरो जीरो। वन में से वन घटाइएगा जीरो और जीरो में से वन घटेगा नहीं इसलिए बोरो लेंगे और बोरो लेंगे तो फिर से ये हो जाएगा टू, टू में से वन घटाएंगे तो वन वन बचेगा। तो ये हो गया तुम्हारा ये सिचुएशन। अब सिचुएशन आया एक्स वाई जेड इनपुट है और आउटपुट क्या है डी एंड बी है, तो डी एंड बी को सबसे पहले हमको फाइंड करना पड़ेगा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, दो अलग अलग बार में, पहले हम लोग निकालेंगे डी का मिनिमाइज एक्सप्रेशन, उसके बाद निकालेंगे बी का मिनिमाइज एक्सप्रेशन। तो डी का जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन होता है वो होता है देखो एग्जैक्टली एक्सऑर रिलेशनशिप है, जब भी जोड़ और घटाव की बात करते हैं तो एक्सऑर की बात करते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको के मैप के जरिए निकाल देंगे। तो के मैप के जरिए जब निकालोगे तो देखो सबसे पहला चीज है इसका, इसका जो है फंक्शन क्या बन के आएगा, फंक्शन आएगा एक्स वाई जेड, कहां पर आएगा सिग्मा एम, सिग्मा एम का जो वैल्यू आएगा वन पर, टू पर, थ्री पर, फोर पर और सेवन पर, वन थ्री फोर और सेवन, वन थ्री फोर सेवन। तो एक्सप्रेशन फॉर डी एक्स वाई जेड यूजिंग शॉक, एक दो चार सात बता रहा है, एक दो चार सात कैसे बता रहे हैं, एक दो, हाँ ठीक है एक दो चार सात, ओके एक दो चार सात। तो एक दो चार सात अपन लोगों ने इसको बनाया तो ये फाइनली देखो ऐसा रिलेशन बन के आता है इसका, जब इसका ऐसा रिलेशन बन के आता है एक दो, ये गलत है यार, एक दो चार सात है, हाँ दोनों एक ही जगह बना दिया है, एक दो चार सात, यहाँ इधर वाला देखना एक्स वाई जेड बनाया एक दो चार सात, मैंने बोला था ना जब ये जिगजैग रिलेशनशिप बनता है तो उसको भी देख के तुम समझ सकते हो कि ये जो है एक्सऑर का रिलेशनशिप है। लेकिन इसको छोड़ो, हमारा ट्रूथ टेबल देखते हुए तुम ये जो रिलेशनशिप से बन के आएगा, ये फाइनली जो बन के आएगा ना, ये बन के आएगा तुम्हारा ये वाला बात एक्स वाई जेड का आंसर क्या है समझे, ये यहां से देख लो इधर आना, ये इसका आंसर है एक्स वाई जेड, एक्स एक्सॉरिड विथ वाई, वाई एक्सॉरिड विथ जेड। तो ये हो गया इसका रिजल्ट के लिए, मतलब डिफरेंस के लिए। अगला है तुम्हारा एक्सप्रेशन फॉर बी बारो, बोरो के लिए जो है, तो बोरो के लिए क्या है फंक्शन, बोरो के लिए फंक्शन आ जाएगा एक्स वाई जेड, कहां पर वन पर, टू पर, थ्री पर और सेवन पर, वन टू थ्री और सेवन पर। तो वन टू थ्री सेवन पे जब करोगे तो वन टू थ्री सेवन से तुम्हारा बन के आता है ये एक्स बार वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड, ये फाइनली बन के आ गया। जब दोनों तुम्हारा बन के आ गया तो तुम लॉजिक डायग्राम बना सकते हो। तो तुम्हारा इनपुट हो गया एक्स वाई जेड, ठीक से बनाना इसको, ठीक है इनपुट इसी तरह से नहीं बना देना, ये गलत तरीके से बनाए हुए या सही से स्केच का यूज करो और उसके बाद बनाओ, बात समझिए। एक्स वाई जेड हो गया, ये हो गया तुम्हारा एक्सऑर, और एक्सऑर में जो इनपुट है वो क्या है एक्सॉरिड विथ वाई और एक्सॉरिड विथ जेड, मतलब एक्स वाई जेड तीनों इसमें जुटा हुआ है तो तीनों जोड़ दिए, एक्स को भी वाई को भी जेड को भी, तुमको पता नहीं चल रहा है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कलम का इस्तेमाल करके बनाओ, ठीक से बनाओ। और जो दूसरा आ रहा है वो आ रहा है क्या एक्सप्रेशन एक्स बार वाई प्लस एक्स बार जेड प्लस वाई जेड। तो एक एंड गेट, दो एंड गेट, तीन एंड गेट, एक एंड गेट, दो एंड गेट और तीन एंड गेट, देखो इसका ये गलत है, ये गलत है, इसको सही कर लेना। एक दो तीन एंड गेट है तुम्हारे पास, तो तीन एंड गेट है, तो पहले एंड गेट का इनपुट क्या है एक्स बार वाई, तो ठीक है एक्स से एक कनेक्शन लाइए दे दीजिए, ठीक है दे दिया। दूसरा क्या है वाई, तो वाई से एक कनेक्शन लाइए डायरेक्टली घुसा दीजिए, बहुत बढ़िया बात है, एक्स को यहाँ पे बबल लगा दिया है तो एक्स बार हो गया और यहाँ वाई डायरेक्टली घुस गया, लेकिन सही से बनाना, यानी कुछ से कुछ बना देना, नहीं दिखे तो छोड़ देना, मैं दूसरे दिन बना के भेज दूंगा। जैसे पढ़ने का फुर्सत किसको है, बहुत सारे हरामखोर देखे बीसीए बीए नेमियों के बच्चे जैसा हरामखोर आज तक ना देखा दिए दिखाई दिया है, एक मिनट देखता है और बात लगता है जो पंडित जी हो गया, तो शुक्र मनाओ जो दर्शन हमसे ना होता है। तो थर्ड सेमेस्टर में तो मार करके ऐसा सो सीधा करते कि तुमको जो है फिफ्थ सेमेस्टर तक कोई कष्ट नहीं होता, बहुत हरासंख देखे थे तुम लोग जैसा ना देखे, मेरा कुछ ले रहा है क्या, हम यहीं रहेंगे सारे फैकल्टी तुम्हारे यहीं रहेंगे, तुमको डिसाइड करना है तुमको कहाँ जाना है, तुमको जो है एनआईआईटी जाना है बस, फिर से कहीं बीएनएमयू में ग्रेजुएशन के बाद पीजी कर लेना है, अपनी जिंदगी सवारो। दूसरा है एक्स बार जेड, तो एक्स बार जेड तो ध्यान रखना यहाँ बीच वाला जो है इसको गलत कर दिया है, एक्स बार का कनेक्शन,
तो ठीक है, एक्स से लाइन लाए और एक्स से कनेक्ट कर दिया, एक्स बार कर दिया, लेकिन जेड का कनेक्शन कौन करेगा? तो जेड का कनेक्शन करना है ना, तो जेड के कनेक्शन को यहां लाइएगा और इसमें ऐड कीजिएगा। ओके, यहां पे एक कनेक्शन कर दीजिएगा जेड का, तो जेड का कनेक्शन हो जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद वाई जेड, तो वाई और जेड ठीक ही है। तो ये रह गया आपका डिफरेंस और बोरो बिट। ओके, तो ये आपका खत्म हो जाता है हाफ सबस्ट्रक्टर और फुल सबस्ट्रक्टर। तो हाफ सबस्ट्रक्टर फुल सबस्ट्रक्टर खत्म, अगला कहानी आता है तुम्हारा, इसको भी खत्म करेंगे। तुम लोग को पढ़ने का मतलब ही नहीं है तो हम कितना माथा पच्ची गए। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर, छोड़ो, बोलते बोलते मुंह में दर्द हो गया है, इसलिए मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर इनकोडर डिकोडर कल के लिए। थैंक यू, गुड नाइट। नोट्स बनाओ, मेरे को सेंड कर देना।